इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्लेंका नाम के एक व्हाइट स्नेक को दिखाया जाता है जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे एक लड़का दिखाई देता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन अजीब सी डार्क शेडो उसे चारों तरफ से पकड़ लेती है जिससे वो गुस्सा होकर हर तरफ अटैक करने लगती है। ये देखकर उसकी बड़ी बहन वर्टा उसे होश में ले आती है जो कि असल में एक ग्रीन स्नेक होती है। ब्लेंका काफी परेशान होती है क्योंकि उसे पिछले 500 सालों से ऐसे ही विजन्स आते थे, इसीलिए अपनी बहन को कहती है कि मुझ में कोई कमी है जिससे मुझे मेरे दिल में हमेशा खालीपन सा लगता है। वर्टा उसे परेशान देख अपना हेयर पिन देने लगती है तो ब्लेंका उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो, तुमने मुझे इसे पहले कभी छूने नहीं दिया। तो वर्टा उसे कहती है कि आज से हेयर पिन तुम्हारा है। तो ब्लेंका जब उस हेयर पिन को कसकर पकड़ती है तो उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जिससे उसे 500 साल पहले की बातें याद आने लगती है और हमें बताया जाता है कि तांग राजवंश पर राक्षसों का राज था जो दुनिया को सताया करते थे और उनके सम्राट अमर होना चाहते थे, लेकिन डार्क जनरल उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको इस पद से हटा दिया गया जिससे गुस्सा होकर उसने डिसाइड किया कि वो अमर होकर रहेगा। इसीलिए उसने अपने आदमियों को सांप पकड़ने की ऑर्डर दिए क्योंकि वो ताओवादी के जादू में माहिर था, इसीलिए वो सांपों की शक्ति का इस्तेमाल करके अमर होना चाहता है और उसके सैनिकों ने उसके लिए बहुत से सांप पकड़ लिए थे और आज वो उन्हें मारकर उनकी शक्ति हासिल करना चाहता था। नागरानी को जब इस बात का पता चलता है तो ब्लेंका को एक हेयरपिन देती है ताकि उसकी शक्ति से डार्क जनरल को मार सके। ब्लेंका वहां पहुंचकर जनरल के बहुत सारे सैनिकों को मार डालती है और जनरल पर अपने हेयरपिन से अटैक करने लगती है, लेकिन जनरल उसके वार को बेअसर कर देता है क्योंकि वो काफी सारे सांपों की शक्तियां खींचने की वजह से बहुत ताकतवर हो चुका था जिससे उसका चेहरा भी बुरी तरीके से जुरीदार हो गया था। ब्लेंका को पकड़ने के लिए जनरल का शिष्य डोनबू उस पर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की फाइट होती है, लेकिन डोनबू के पास काफी ज्यादा डार्क पावर थी इसीलिए ब्लेंका उसे नहीं जीत पाती और नदी में बहकर वहाँ से दूर चली जाती है। ब्लेंका की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक गांव में होती है जहाँ के सभी लोग स्नेक कैचर्स होते हैं जो सांपों को पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ब्लेंका एक जादू स्नेक है। एक ओल्ड लेडी ब्लेंका से पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन ब्लेंका को कुछ याद नहीं होता क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि तुम्हें जुआन नाम के एक लड़के ने बचाया है और हम यहाँ पहाड़ों पर घर बनाकर रहते हैं क्योंकि जंगल जंगली जानवरों और डीमन से भरे हुए हैं। तभी जुआन अपने डॉग डूडू के साथ वहाँ आ जाता है, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे सांपों से डर लगता था, इसीलिए वो कोई भी सांप नहीं पकड़ता, बस वो कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है। तभी वो ओल्ड लेडी जुआन के पास आकर उसे कहती है कि तुम जिस लड़की को लाए थे उसे कुछ याद नहीं है। तो जुआन ब्लेंका के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां तुम मुझे मिली थी, जिससे शायद हमें कुछ सुराग मिल सकता है। फिर वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ब्लेंका जुआन से पूछती है कि तुम सांपों को क्यों पकड़ते हो, तो जुआन उसे बताता है कि हम जनरल के लिए सांप पकड़ते हैं क्योंकि वो इसके लिए हमें पैसे देता है। तभी वहाँ जुआन का डॉग डूडू फिसल कर नीचे गिरने लगता है, लेकिन ब्लेंका अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है। ये देखकर जुआन बहुत हैरान होता है कि वो जादू जानती है, लेकिन इससे उसका डॉग बहुत डर जाता है और वापस घर चला जाता है। लेकिन जुआन ब्लेंका को झंडे के पास बने अपने घर में लेकर जाता है जहाँ वो ब्लेंका से पूछता है कि तुम्हें जादू कैसे आता है, लेकिन ब्लेंका उसे कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो जुआन उसे अपने घर के बारे में बताता है कि मैं यहाँ जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ जिससे मुझे सांप पकड़ने नहीं पड़ते। फिर वो उसे बताता है कि तुम मुझे वहाँ ऊपर चट्टान पर मिली थी। ब्लेंका जब उस चट्टान पर जाती है तो उसे विजन आने लगते है जिसमे वो देखती है कि जनरल को मारने के लिए उसे नागरानी ने भेजा था और उसे वो जादू हेयर पिन दिया था, साथ ही उसे जनरल की भी धुंधली यादें याद आती है। तभी वो होश में आ जाती है, लेकिन वो जुआन को कुछ नहीं बताती। जुआन उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है जिससे ब्लेंका को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी ब्लेंका देखती है कि बहुत से सांप उनका पीछा कर रहे हैं और एक सांप जुआन पर अटैक करने लगता है, लेकिन ब्लेंका उस सांप को अपनी पावर से हिट कर देती है जिससे जुआन की जान बच जाती है, लेकिन वो एक चट्टान से नीचे गिरने लगता है। मगर वहाँ ब्लेंका का जादुई हेयर पिन गड़ा हुआ था जिससे वो बच जाता है। ब्लेंका जैसे ही उस हेयर पिन को छूती है तो उसे विजन्स आते हैं कि किस तरह हेयर पिन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वो इसे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर जुआन उसे बचाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ जनरल के दो सैनिक ब्लेंका को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ब्लेंका ने ही जनरल पर हमला किया था, लेकिन तभी जुआन वहाँ आकर ब्लेंका को बचा लेता है और उसे घर ले आता है। जुआन उस हेयर
विपिन को बैठा हुआ देख रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ब्लेंका बेहोश हुई थी। तभी ब्लेंका वहाँ आती है और जुआन को बताती है कि एयरपिन और मैं जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का जादू है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तभी वो देखती है कि उस एयरपिन पर प्रेशर जेट लिखा हुआ है, तो जुआन उसे बताता है कि प्रेशर जेट एक तरह की वर्कशॉप है जो योंगजो के ठीक बाहर बनी हुई है, इसीलिए हमें वहाँ जाकर हेयरपिन के बारे में पता लगाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि जनरल के सैनिक जुआन और ब्लेंका को ढूंढने के लिए गांव की तरफ आ रहे हैं क्योंकि जुआन ने उनके दो सैनिकों को मारा था। ये देखकर जुआन ब्लेंका को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जनरल का शिष्य अपने सैनिकों के साथ वहाँ आ जाता है और उन्हें जुआन की छतरी दिखाकर उनसे पूछता है कि किसकी है, लेकिन गाँव वाले उसे कुछ नहीं बताते। तो एक छोटे बच्चे को उठा लेता है और गाँव वालों से कहता है कि मुझे सच बताओ वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। तो गाँव वाले डर कर उसे बता देते हैं कि यह छतरी जुआन की है और उसके साथ एक लड़की थी। तो डॉनबो अपने सभी सैनिकों को उस लड़की को ढूंढ कर लाने को कहता है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि जुआन ब्लेंका और डूडू के साथ वहाँ से भाग गया था। इसीलिए डॉनबो जुआन की एक चीज को अपने ब्लैक मैजिक से बेट बनाकर उनके पीछे भेज देता है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहाँ गए हैं, क्योंकि ब्लेंका एक जादू स्नेक थी इसीलिए उसकी पावर से डार्क जनरल अमर हो सकता था। वही हमें नागरानी की गुफा को दिखाया जाता है जहाँ स्नेक डार्क जनरल से छिपकर रहा करते थे। तभी वहाँ वो सांप आता है जिस पर ब्लेंका ने जुआन को बचाने के लिए हमला किया था। वो नागरानी को बताता है कि मुझ पर आज ब्लेंका ने हमला किया है जिससे मुझे लगता है कि वो डार्क जनरल के साथ मिल गई है क्योंकि वो एक स्नेक कैचर के साथ थी। तभी वहाँ वर्टा आ जाती है और वो नागरानी को बताती है कि मेरी बहन हमें धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। लेकिन सभी स्नेक नागरानियों कहते हैं कि व्हाइट स्नेक की बहन है इसीलिए ये भी उनके साथ मिली हुई है। तो नागरानी अपने खास वेपन से वर्टा पर हमला करती है और उसे कहती है कि अगर तुम 3 दिन के अंदर ब्लेंका और उस हेयरपिन को वापस लेकर नहीं आई तो तुम मर जाओगी और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तो वर्टा ब्लेंका को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन नागरानी अपने सेनापति चांगपेन को जुआन को खत्म करने भेजती है। वही हमें जुआन और ब्लेंका को दिखाया जाता है जो योंगजाओ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जुआन गाना गाने लगता है और ब्लेंका को भी गाना सिखाता है। ब्लेंका उसे कहती है कि तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास पावर्स है और मैं डीमन भी हो सकती हूँ। तो जुआन उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अच्छी हो, और उसे डूडू का उदाहरण देकर समझाता है कि अगर डूडू कोई डीमन होता तो फिर भी मैं उसे पसंद करता। तो ब्लेंका अपनी पावर से डूडू पर मैजिक कर देती है जिससे डूडू भी इंसानों की तरह बोलने लग जाता है। तब यहाँ नदी में लहरें तेज होने लगती है और चांगपिन बहुत बड़े सांप में ट्रांसफॉर्म होकर उन पर अटैक कर देता है। वो जुआन को मारने लगता है, लेकिन तभी ब्लेंका भी स्नेक बनकर उसके टुकड़े कर देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और जुआन की जान बचा लेती है। लेकिन इससे जुआन को पता चल जाता है कि वो एक जादुई स्नेक है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता और वो देखता है कि ब्लेंका ने जो पावर्स इस्तेमाल की थी उसकी वजह से उसकी बॉडी बर्फ की तरह जमती जा रही है। इसीलिए वो उसे नदी किनारे एक टेम्पल के अंदर ले जाता है और उसके पास आग जला देता है ताकि उसे गर्मी मिल सके, क्योंकि ब्लेंका की बॉडी इतनी ठंडी हो रही थी कि वो पूरे फर्श को ही जमा दे रही थी। ये देखकर जुआन उसे पूरी रात गर्मी देता है। सुबह जब ब्लेंका की आँख खुलती है तो डूडू से पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। तो डूडू से बताता है कि तुम्हारी बॉडी बर्फ की तरह जम रही थी इसीलिए जुआन ने तुम्हें गर्म रखा। इससे ब्लेंका काफी हैरान होती है। वो बाहर बैठी हुई होती है तभी जुआन उसके पास आता है। तो ब्लेंका उसे कहती है कि मैं एक डीमन हूँ। तो जुआन उसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि तुम अच्छी हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ब्लेंका भी इससे खुश होती है। फिर वो योंगजाओ जाने के लिए निकल जाते हैं और वो कुछ ही घंटों में योंगजाओ के पास बनी प्रेशियस जेट वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी जादुई वर्कशॉप होती है जिसकी मालिक फॉक्स डीमन होती है जो वहाँ सभी प्रकार के जादुई हथियार बनाया करती थी। जुआन फॉक्स डीमन से उस हेयरपिन के बारे में पूछता है तो फॉक्स डीमन उन्हें अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है जहाँ वो उन्हें बताती है कि हेयरपिन ब्लेंका का नहीं है बल्कि किसी और का है और इस जादुई हेयरपिन की मदद से किसी की भी शक्तियाँ छीनी जा सकती है और वो शक्तियाँ उस हेयरपिन के मालिक के पास चली जाती है। फिर वो उसे बताती है कि इसके मालिक ने तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था जिससे ही तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो और इसके इस्तेमाल की वजह से ही तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। तो जुआन उसे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि इसका पुराना मालिक कौन है। तो फॉक्स डीमन उन्हें उस स्नेक का सेल देती है और वो दोनों उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपनी तरफ एक बहुत बड़ा सांप आता हुआ नजर आता है जो कि असल में ग्रीन स्नेक वर्टा होती है। वो जुआन के हाथ में सांप पकड़ने वाला हथियार
हथियार देखकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ब्लेंका जुआन को बचा लेती है और वर्टा पर अटैक करती है, जिससे ब्लेंका को याद आ जाता है कि उसकी बहन है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेती है। ब्लेंका वर्टा को कहती है कि मेरी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो पास ही के एक शिवालय में जाते हैं, जहाँ वर्टा ब्लेंका को बताती है कि तुम्हें हेयरपिन डार्क जनरल को मारने के लिए दिया गया था। तो ब्लेंका उसे कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जनरल सांपों का इस्तेमाल क्यों करता है। तो वर्टा उसे बताती है कि वो डार्क कुंग फू जानता है और वो सांपों की पावर का इस्तेमाल अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए करता है, इसीलिए वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और नागरानी ने तुम्हें उसे मारने भेजा था। फिर वो जुआन पर अटैक कर देती है क्योंकि वो एक स्नेक कैचर था। तो ब्लेंका उसे ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि जुआन जनरल की तरह नहीं है, क्योंकि जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो उसने मेरी जान बचाई। लेकिन वर्टा उसकी बात नहीं सुनती और वो जुआन पर अटैक करने लगती है। तभी जुआन के शरीर से जोनबो का बेट बाहर निकल जाता है, लेकिन वर्टा उसे खत्म कर देती है। जुआन वर्टा को कहता है कि मैं जनरल के साथ नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बेट मेरे अंदर कहाँ से आया, लेकिन वर्टा को उस पर विश्वास नहीं होता। तो ब्लेंका उसे कहती है कि मुझे जुआन पर पूरा विश्वास है। इससे गुस्सा होकर वर्टा जुआन पर अटैक करने लगती है और इसी लड़ाई में ब्लेंका और जुआन जमीन में छिपे हुए एक मंदिर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ब्लेंका उसे बचा लेती है और जुआन वर्टा से बचने के लिए ब्लेंका को लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है, जो कि असल में पेगोडा टेम्पल होता है, इसीलिए वहाँ कोई भी डीमन नहीं जा सकता था। और इसी वजह से ब्लेंका पर ड्रैगन हमला कर देता है और उसे आग से खत्म करने लगता है, लेकिन जुआन उसे किसी तरह से बचा लेता है और वहाँ से बाहर ले आता है, जहाँ एक ताओवादी चेम्बर था, जहाँ ब्लेंका को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, वर्टा भी बाहर ही मौजूद होती है। ब्लेंका वर्टा को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि ब्लेंका समझ गई थी कि डीमन इंसानों के साथ नहीं रह सकता, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। जुआन उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो ब्लेंका उसे कहती है कि मुझे जाना ही होगा, क्योंकि इस दुनिया के कुछ रूल है जिससे इंसान और डीमन का मिलन नहीं हो सकता। तो जुआन इससे काफी सेड हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए तुम मेरा इंतजार करना, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ब्लेंका भी काफी सेड हो जाती है, इसीलिए वो वही जुआन के आने का इंतजार करती है। वर्टा उसे कहती है कि वो वापस नहीं आएगा, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वर्टा की बॉडी से आग निकलने लगती है, क्योंकि नागरानी ने उस पर खास हथियार से वार किया था, इसीलिए वो ब्लेंका को बताती है कि अगर मैं तुम्हें 3 दिनों के अंदर नागरानी के पास लेकर नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। वही हमें जुआन को दिखाया जाता है जो फॉक्स डीमन के पास जाता है, जहाँ वो खुद को डीमन में ट्रांसफॉर्म करवाने लग जाता है ताकि वो ब्लेंका के साथ रह सके। वही हमें दिखाया जाता है कि डोनबो अपने सैनिकों के साथ ब्लेंका और वर्टा पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि उस बेट की वजह से उसे उनकी लोकेशन का पता चल गया था। डोनबो ब्लेंका और वर्टा को कहता है कि तुम दोनों बहुत ही पावरफुल स्नेक हो, जिससे डार्क जनरल तुम्हारी पावर से और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने उन्हें स्नेक कैचर्स के गाँव में बुला लिया है और मैं तुम दोनों को पकड़ कर वहाँ ले जाऊंगा। फिर वो उन पर अटैक करने लग जाता है, जिससे उन दोनों के बीच में बहुत ही कमाल की फाइट होती है। इसी लड़ाई में डोनबो के चेहरे पर लगा हुआ मास्क भी खुल जाता है और उसका चेहरा भी डार्क पावर की वजह से जुरीदार हो गया था, जिससे वर्टा उसका मजाक उड़ाती है और गुस्सा होकर डोनबो उन पर अपनी डार्क पावर से अटैक कर देता है। वर्टा और ब्लेंका उसकी पावर से बचने लगती है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से जाल में फंसा लेता है। इससे ब्लेंका को बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता और वो अपने हेयरपिन से डोनबो की सारी पावर को अपने अंदर खींच लेती है। वही हमें जुआन को दिखाया जाता है जो अब डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, क्योंकि फॉक्स डीमन ने डूडो की टेल को जुआन की बॉडी के साथ जोड़कर उसे डीमन में बदल दिया था, जिससे अब जुआन में भी काफी तेज दौड़ने की पावर आ गई थी। फिर वो दोनों ब्लेंका के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस जगह के नजारे को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और उन्हें वहाँ डोनबो की बॉडी भी दिखाई देती है, जिसकी पावर्स को ब्लेंका ने छीन लिया था, जिससे वो बहुत बड़े पाइथन में बदल चुकी थी और उसने पास के गांव योंगजाओ को भी बर्बाद कर दिया था। जुआन जब वहाँ पहुँचता है तो ब्लेंका उसे देखकर शांत हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की जाने चली गई है और बेकसूर लोग मुसीबत में है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ वर्टा जुआन के पास आती है और उसे बताती है कि ब्लेंका बहुत बड़े अजगर में बदल चुकी है, इसीलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि उसने अपने हेयरपिन की मदद से डोनबो की सारी पावर को अपने अंदर खींच लिया है। तभी वो देखती है कि जुआन भी एक डीमन बन चुका है, इसीलिए उसे कहती है कि ब्लेंका अब बहुत खतरनाक हो चुकी है, इसीलिए क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो। तो जुआन उसे पूछता है कि ब्लेंका कहाँ जा रही है। तो वर्टा उसे बताती है कि वो तुम्हारे गांव की तरफ बढ़ रही है,
क्योंकि जनरल वहीं आने वाला है और उसे खत्म करना चाहती है और इसी लड़ाई में तुम्हारा गांव भी बर्बाद हो जाएगा। तो जवान अपने गांव को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें नागरानी को दिखाया जाता है जिसे उसके सैनिक आकर बताते हैं कि जनरल सांप पकड़ने वाले गाँव की तरफ जा रहा है क्योंकि मैंने उसका बहुत बड़ा शिप देखा था। तो नागरानी को लगता है कि ब्लेंका ने उन्हें उसके बारे में बता दिया होगा इसीलिए उनकी तरफ आ रहा है। इससे वो गुस्सा होती है और सभी को कहती है कि हम हार नहीं मानेंगे और सांप पकड़ने वाले गांव पर हमला करके जनरल और सभी को मार देंगे क्योंकि वो सदियों से हमें मारते आ रहे हैं। इसीलिए वो गांव को बर्बाद करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जवान अपने गांव में पहुंचकर सभी को अलर्ट करने लगता है कि एक बहुत बड़ा अजगर हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है इसीलिए हमें गांव खाली करना होगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी जनरल भी वहां अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है और अपनी पावर से जवान को पकड़ लेता है और उसकी छिपाई हुई पूंछ भी बाहर निकाल देता है, जिससे सभी गांव वाले ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि जवान एक डीमन है और उस पर अटैक करने लगते हैं। तो जवान उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और वो जनरल को कहता है कि तुम बुरे हो क्योंकि तुमने अपनी पावर बढ़ाने के लिए हमसे सांप पकड़वाए और तुमने ब्लेंका को एक बहुत बड़े अजगर में बदल दिया। तभी ब्लेंका भी उस तरफ आने लगती है। ये देखकर जवान सभी को कहता है कि मैं ब्लेंका को रोक सकता हूँ इसीलिए मुझे जाने दो। तो जनरल भी उसे आजाद कर देता है और जवान ब्लेंका को रोकने के लिए उसके पास पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि गांव में जितने भी लोग हैं वो सभी निर्दोष है, लेकिन ब्लेंका होश में नहीं होती इसलिए वो गांव की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जवान हर तरफ फूल बिखेरने लग जाता है ताकि ब्लेंका को वो पल याद आ सके जो उन्होंने साथ गुजारे थे। जवान ब्लेंका को कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक डीमन बन चुका हूँ इसीलिए हम दोनों राक्षस है और भले ही तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तो ब्लेंका भी शांत हो जाती है, लेकिन ये सब डार्क जनरल की चाल होती है इसीलिए ब्लेंका को अपने डार्क मैजिक से पकड़ लेता है। ये देखकर वर्टा उसे बचाने आने लगती है, लेकिन जनरल उसे भी पकड़ लेता है। फिर वो अपने मंत्र को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो उन तीनों की पावर और सोल को अपने अंदर खींच सके, जिससे अब धीरे धीरे उनकी सोल उनकी बॉडी से अलग होने लगती है। ये देखकर जवान वर्टा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसे बताती है कि हमारी सोल शरीर से अलग हो रही है और अगर एक बार ये हमारी बॉडी से अलग हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ नागरानी पहुँच जाती है और वो ब्लेंका के हेयर पिन से जनरल पर अटैक कर देती है और उसकी पावर को अपने अंदर खींचने लग जाती है। लेकिन जनरल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है इसीलिए उन दोनों में बहुत ही कमाल की इपिक फाइट होने लगती है। ये देखकर ब्लेंका भी अपनी पूंछ की मदद से जनरल के जादुई वेपन को तोड़ देती है, जिससे वो आजाद हो जाती है और वो जनरल पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी जनरल अपनी पावर से एक बहुत ही शक्तिशाली ईगल बना लेता है, जिससे वो ब्लेंका और नागरानी पर अटैक करके उन्हें पकड़ लेता है। ये देखकर वर्टा भी जनरल पर अटैक करने जाने लगती है। तो जवान उसे हेयरपिन देता है और वर्टा उस हेयरपिन को जनरल की पीठ में घुसा देती है, जिससे नागरानी जनरल की सारी पावर को अपने अंदर खींच लेती है और जनरल की डेथ हो जाती है। इससे नागरानी बहुत खुश होती है और वो अपने सभी सांपों को गांव पर अटैक करने को कहती है ताकि उसने कैचर को मार सके। ब्लेंका जनरल से फाइट की वजह से काफी इंजर्ड हो चुकी थी इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। जवान गांव वालों को बचाने जाता है और उन सभी स्नेक को गांव में घुसने से रोकने लगता है। वहीं वर्टा नागरानी को हेयरपिन देने जाती है तो नागरानी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन को इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दूसरों की शक्तियाँ खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। तो वर्टा उन्हें कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन नागरानी उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि मुझे इस हेयरपिन की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल मारा जा चुका है, और वो उस हेयरपिन को फेंक देती है और वर्टा पर अटैक करके उसकी पावर खींचने लग जाती है क्योंकि नागरानी के अंदर जनरल की पावर होने की वजह से वो भी बुरी बन गई थी और वो वर्टा की सारी पावर खींच लेती है। इससे ब्लेंका को गुस्सा आ जाता है और वो नागरानी पर अटैक करने लगती है। ये देखकर नागरानी अपने सभी साथियों की पावर को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ब्लेंका और नागरानी में फाइट होने लगती है, लेकिन नागरानी बहुत ज्यादा बड़ी और ताकतवर हो चुकी थी इसीलिए वो ब्लेंका को पकड़ लेती है और उसकी पावर को अपने अंदर खींचने लग जाती है। ये देखकर जवान जनरल के मंत्र को फिर से चालू कर देता है, जिससे जब नागरानी ब्लेंका को मारने लगती है तो मंत्र की वजह से उसके जादू में कैद हो जाती है और जवान ब्लेंका को बचाकर बाहर लेकर आने लगता है। ब्लेंका जवान से कहती है कि नागरानी ने मेरी सारी पावर छीन ली है, जिससे मैं मामूली इंसान बन गई हूँ। तो जवान उसे कहता है कि अब तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। फिर वो दोनों बाहर आने लगते हैं। जनरल अभी भी पूरी तरीके से मरा नहीं था इसीलिए उस मंत्र के जादू को फिर से एक्टिवेट कर देता है, जिससे जवान और ब्लेंका बाहर नहीं निकल पाते। मगर तभी जनरल पूरी तरह से मर जाता है, जिससे वो जादू बेकार हो जाता है और उस जगह की सारी चीजें तबाह होने लगती है।
थे। तभी जॉन देखता है कि वहाँ ऊपर तारों के कॉन्स्टेलेशन बने हुए हैं, इसीलिए उनकी मदद से ब्लेंका को बाहर निकालने लग जाती है, जिससे वो ब्लेंका को तो बाहर निकाल देता है मगर वो खुद आइस में बदल जाता है। ये देखकर ब्लेंका काफी सैड हो जाती है और तभी जॉन की सोल भी बाहर निकलने लगती है, जिससे ब्लेंका को उसके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते है और वो जॉन की सोल को अपने हेयरपिन की मदद से बचा लेती है, जिससे वो वापस से व्हाइट स्नेक बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंका ये सब विजन्स में देख रही होती है। वर्टा ब्लेंका को बताती है कि तुमने जॉन की आत्मा को हेयरपिन की मदद से बचा लिया था, जिससे अब उसने पुनर्जन्म ले लिया है। तो ब्लेंका उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है, तो वर्टा उसे कहती है कि जॉन ने पुनर्जन्म ले लिया है, इसीलिए हो सकता है कि वो पहले जैसा जॉन ना रहा हो और वो बदल गया हो। लेकिन ब्लेंका उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट स्नेक पिंकी और ग्रीन स्नेक शिंकी जिंगशांग टेम्पल पर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टेम्पल के मास्टर ने बंटी को अपने वश में कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बंटी और पिंकी एक दूसरे से प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि शैतान और इंसान का मिलन हो, क्योंकि उनका काम धरती पर से सभी शैतानों का खात्मा करना था। पिंकी और जिंकी अपनी शक्तियों से जिंगशांग मंदिर पर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर की शक्तियाँ काफी ज्यादा होती है, इसीलिए अपने मंत्रों से टेम्पल को चारों ओर से प्रोटेक्ट कर लेते हैं और अपनी सारी शक्तियों से पिंकी और जिंकी पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरती है। फिर मास्टर पिंकी को ली शेंग पेगोड़ा में बंद करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ली शेंग पेगोड़ा में ही सभी शैतानों को कैद करके रखा जाता था। ये देखकर पिंकी अपने हेयर पिन की मदद से उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसका पिन भी टूट जाता है और वो ली शेंग पेगोड़ा में कैद होने लगती है। लेकिन उससे पहले वो अपने बच्चे को जिंकी को दे देती है और उसे कहती है कि इसे बंटी को सौंप देना। पिंकी ली शेंग पेगोड़ा में कैद हो जाती है, लेकिन उसका एक रिबिन जिंकी के पास रह जाता है। जिंकी काफी उदास हो जाती है। मास्टर बंटी को लेकर जिंकी के पास आते हैं। जिंकी मास्टर को कहती है कि तुम धर्म के नाम पर हमेशा हमें परेशान करते रहते हो, जबकि हम डेमन ने किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। तो जिंकी उसे कहती है कि तुम्हारे पास लॉर्ड बुद्धा की शक्तियाँ है, इसीलिए तुम हमेशा हमें नुकसान पहुँचाते हो। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता। यह कहकर मास्टर वहाँ से जाने लगता है। तो जिंकी बंटी को बच्चा सौंप कर मास्टर पर अटैक करने लगती है। ये देखकर मास्टर जिंकी को अपने मंत्रों की मदद से पकड़ लेते हैं और उसे पुनर्जन्म से पहले की दुनिया निर्वाणा में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर अपने मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो जिंकी के अंदर से अजीब सी ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है, जो उसे कहीं ले जाती है। ये देखकर मास्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब जिंकी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो सिटी में पहुँच गई है, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता, जिससे उसे लगता है कि वो भी ली शेंग पेगोड़ा के अंदर आ गई है, इसीलिए अपनी सिस्टर को आवाज लगाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा राक्षस उसकी तरफ आने लगता है। जिंकी उस राक्षस पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी पावर चली गई है और वो एक नॉर्मल इंसान बन गई है। राक्षस जिंकी पर अटैक कर देता है। ये देखकर जिंकी किसी तरह से बचकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो राक्षस अभी भी उसके पीछे होता है। भागते भागते जिंकी को एक लड़की दिखाई देती है, जो जिंकी को उससे बचाने के लिए उस राक्षस पर गोली चलाती है, लेकिन वो राक्षस उन गोलियों के वार से बच जाता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो दोनों एक पार्किंग लॉट में जाकर फंस जाते हैं। वो राक्षस उन्हें मारने के लिए उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक मास्क वाला आदमी उस राक्षस के ऊपर 2-3 गाड़ियाँ गिरा देता है, जिससे वो राक्षस उन गाड़ियों के अंदर दब जाता है और वो मास्क वाला आदमी जिंकी और उस लड़की को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो उन्हें एक सेफ जगह पर छोड़ देता है। तभी जिंकी आसमान में स्नेक का स्टेचू देखती है। तभी वो लड़की जिंकी को बताती है कि मेरा नाम सोफी है। फिर सोफी उसे एक घर में लेकर जाती है, जहाँ जिंकी सोफी से पूछती है कि जिस लड़के ने हमें बचाया था वो कौन था। तो सोफी उसे बताती है कि वो बस एक आम लड़का था जो खुद को हीरो समझता है। फिर सोफी उसे एक सीक्रेट बिल्डिंग में लेकर जाती है, जिसे एक ऑक्टोपस प्रोटेक्ट कर रहा था। जिंकी जब उसके अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर और इंसान मौजूद होते हैं। तो सोफी उसे बताती है कि ऑक्टोपस का एरिया है जो हमें बाहर के सारे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करके रखता है, और इसके बदले में हम उसे खाना देते हैं। फिर सोफी जिंकी से पूछती है कि तुम कौन सी डायनेस्टी से हो। तो जिंकी उसे बताती है कि मैं सोंग डायनेस्टी से हूँ। तो सोफी उसे कहती है कि डायनेस्टी तो 1000 साल पुरानी है और अभी हम असुर विले में है। असुर विले एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ से वो लोग आते हैं जो सर्वाइव करना चाहते है। इसका मतलब ये होता है कि ना तो स्वर्ग लोक होता है और ना ही नर्क लोक। फिर सोफी उसे ये भी बताती है कि यहाँ सभी डायनेस्टी
के इंसान और मॉन्स्टर रहते हैं और मैं भी यहाँ 2 महीने पहले ही आई थी। फिर वो उसे अपने रूम में लेकर जाती है जहाँ उसे कहती है कि यहाँ वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो ताकतवर हो। इसीलिए सोफी जिंकी को गन और बाइक चलाना सिखाने लगती है। साथ ही जिंकी अपने लिए चाकू से एक स्पेशल हथियार भी बना लेती है और अब जिंकी कुछ ही दिनों में बाइक और गन चलाना सीख जाती है। तभी एक दिन अचानक बुलेट मॉन्स्टर का लीडर विलियम अपने सभी मॉन्स्टर के साथ उस बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए आ जाता है जिसमें जिंकी और सोफी रहा करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिल गई थी कि इस बिल्डिंग में इंसान और डेमन छिपे हुए हैं। यह देखकर सोफी और जिंकी अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बुलेट मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं और उस ऑक्टोपस को भी पकड़ लेते हैं। यह देखकर जिंकी और सोफी उनसे बचने के लिए रूफ पर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक दूसरे मॉन्स्टर की गैंग भी आ जाती है जिसका लीडर साइमन नाम का एक आदमी था, क्योंकि उन दोनों गैंग के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी, इसीलिए उन दोनों गैंग के लीडर आज भी लड़ाई का ऐलान करते हैं। वहीं सोफी और जिंकी रूफ पर रखी अपनी बाइक से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनकी बाइक पर अटैक कर देते हैं, जिससे जिंकी और सोफी उन दोनों गैंग के बीच में जाकर गिरते हैं। तभी उनका पीछा करने वाला राक्षस वहाँ आकर सोफी को जान से मार देता है। यह देखकर जिंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे जान से मार देती है। यह देखकर कुछ और बुलेट मॉन्स्टर जिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी साइमन जिंकी को बचा लेता है। तभी हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी जिंकी पर नजर रख रहा होता है। दोनों गैंग के लीडर फाइट का ऐलान करते हैं। तभी वहाँ अचानक बहुत तेज तूफान चलने लगता है और उस तूफान के बीच में से ग्रीन क्रिएचर निकलकर बाहर आने लगते हैं। ये देखकर दोनों गैंग वहाँ से भागने लगती है। जिंकी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो ग्रीन क्रिएचर इंसान और डेमन को बाइट करके अपने जैसा बनाने लगते हैं तो जिंकी भी उनसे बचकर वहाँ से भागने लगती है। तभी साइमन वहाँ आकर जिंकी को बचाकर अपने साथ ले जाता है। फिर हमें साइमन की गैंग को दिखाया जाता है जिसके बहुत से राक्षस घायल हो गए थे। इसीलिए कुछ राक्षस साइमन को कहते हैं कि पहले ग्रीन क्रिएचर महीने में सिर्फ एक बार आया करते थे, लेकिन अभी हर 2-3 दिन में हम पर हमला करते हैं। इसीलिए अब हमें अपनी गैंग मजबूत करने के लिए इंसानों को अपनी गैंग से हटा देना चाहिए। इससे साइमन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी को कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। फिर साइमन की गर्लफ्रेंड सभी को कहती है कि अगर साइमन नहीं होता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं होता, क्योंकि साइमन ने ही तुम्हें उन राक्षसों से बचाया था। तभी एक डेमन गर्ल जिंकी पर अटैक करने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो कमजोर इंसान है, लेकिन जिंकी उस डेमन गर्ल पर अटैक करके उसे ही पकड़ लेती है। तभी साइमन की गर्लफ्रेंड साइमन को बताती है कि हमारे पास फ्यूल खत्म हो गया है, तो साइमन उसे कहता है कि सुबह तक वो आत्माएं वापस चली जाएगी, तब मैं जिंकी के साथ ऑल गुड मार्केट जाकर फ्यूल लेकर आ जाऊंगा। फिर अगली सुबह साइमन जिंकी के साथ ऑल गुड मार्केट की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में कुछ डेमन उन पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर साइमन जिंकी को ड्राइव करने को कहता है और वो खुद उन डेमन से लड़ने लगता है, लेकिन उन डेमन की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए साइमन फुल स्पीड में कार चलाकर वहाँ से निकलने लगता है। वो धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर से बचकर ऑल गुड मार्केट की सीमा में पहुँच जाते हैं और डेमन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि ऑल गुड मार्केट में लड़ाई करने की मनाही थी। फिर साइमन जिंकी को लेकर ऑल गुड मार्केट के अंदर जाता है, जहाँ जाने से पहले उनके सारे हथियार ले लिए जाते हैं। और जब साइमन और जिंकी मार्केट में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही बहुत से मॉन्स्टर शॉपिंग कर रहे थे। साथ ही वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी भी होता है जो वहीं पर काम किया करता था। तभी वहाँ उस मार्केट की ओनर भी आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही डेमन फॉक्स थी। जिंकी उस डेमन फॉक्स से पूछती है कि हम इस ससुर विले में क्या कर रहे हैं, तो फॉक्स डेमन उसे बताती है कि यहाँ वो इंसान और डेमन आते हैं जो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते, इसीलिए इस ससुर विले को बनाया गया है और यहाँ जितने भी इंसान या डेमन है उनके पास अपने याद करने वालों की कोई एक न एक चीज जरूर है जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन का रिबिन है। तो जिंकी उस डेमन फॉक्स से पूछती है कि मैं इस जगह से कैसे निकल सकती हूँ, तो डेमन फॉक्स उन्हें एक तालाब के पास लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि अगर तुमने इस तालाब में गोता लगाया तो तुम इस ससुर विले से बचकर बाहर निकल सकती हो, लेकिन इस पानी में कूदना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम जैसे ही इस पानी में कूदोगी तो तुम्हारे अंदर से उस इंसान की सारी यादें मिट जाएगी जिससे तुम बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, इसीलिए इस पानी में कूदने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। यह सुनने के बाद वो मास्क वाला आदमी अपने पास रखी विसल को पकड़कर तालाब में देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका था और उसे ये भी याद नहीं था कि वो सबसे ज्यादा किसके साथ अटैच्ड था। लेकिन जब जिंकी उस पानी में देखती है तो उसे अपने बहन की तस्वीर
तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बहन को भूल जाए, इसीलिए वो उस पानी में नहीं कूदती और वो साइमन के साथ फ्यूल लेकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वो ग्रीन क्रिएचर वापस आकर उन पर हमला करने लगते है। ये देखकर वो सभी मार्केट के अंदर भागने लगते है। तभी फॉक्स डेमन उन सभी को लेकर नीचे उस तालाब के पास जाने लगती है, लेकिन वहाँ आने से पहले एक डेमन को उन ग्रीन क्रिएचर ने बाइट कर लिया था, इसीलिए वो भी एक ग्रीन क्रिएचर में बदल जाता है और वो वहाँ सभी पर अटैक करने लगता है। ये देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो ग्रीन क्रिएचर उस मास्क वाले आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी साइमन अपनी तलवार से उस ग्रीन क्रिएचर के सर को अलग कर देता है, जिससे वो ग्रीन क्रिएचर मर जाता है। साइमन सभी को बताता है कि इन ग्रीन क्रिएचर को सिर्फ सर काट कर ही मारा जा सकता है। जिंकी साइमन को कहती है कि हमें इस मास्क वाले आदमी को भी हमारे साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। तो साइमन भी उसकी बात मान लेता है। फिर वो तीनों साइमन के इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन साइमन को वहाँ कुछ अजीब लगता है, इसीलिए एक खुफिया रास्ते से उन्हें अंदर लेकर जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि विलियम की पूरी गैंग ने साइमन के सभी लोगों को मार दिया है और उनके इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये देखकर साइमन जिंकी और उस नकाब वाले आदमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी वो ग्रीन क्रिएचर वापस से शहर पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर साइमन उन्हें एक टनल से लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भागते हुए उस मास्क वाले आदमी का पैर एक ट्रेन के अंदर फंस जाता है। जिंकी देखकर साइमन को भी उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन साइमन जब देखता है कि ग्रीन क्रिएचर उनके बहुत करीब आ गए हैं, तो साइमन जिंकी को समझाता है कि हमें इसे यहीं छोड़कर जाना होगा, नहीं तो ग्रीन क्रिएचर हमें भी अपने जैसा बना देंगे। लेकिन जिंकी साइमन की बात नहीं सुनती और मास्क वाले आदमी की मदद करने लगती है। ये देखकर साइमन अकेला ही वहाँ से आगे निकल जाता है और उस टनल का गेट भी अंदर से लॉक कर देता है। ये देखकर जिंकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसकी बात नहीं सुनता। इससे जिंकी को लगता है कि सभी आदमी एक जैसे ही होते हैं, जो मुसीबत में हमें अकेला छोड़ देते हैं। इससे वो काफी हर्ट हो जाती है और वो खुद को ग्रीन क्रिएचर के हवाले करने लगती है। ये देखकर वो मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतार देता है, जिसका चेहरा बिल्कुल पिंकी जैसा था। ये देखकर जिंकी उस ग्रीन क्रिएचर के सर को दर से अलग कर देती है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मास्क वाले आदमी को बाहर निकाल लेती है और उस टनल का गेट तोड़कर आगे बढ़ जाती है, जहां वो एक क्लिप पर पहुंचते हैं। जिंकी उस मास्क वाले आदमी से कहती है कि अगर तुम मेरी बहन हो तो तुम लीशेंग पेगोड़ा से कैसे बच गई और तुम आदमी के शरीर में कैसे हो। तो रिप्लाई में मास्क वाला आदमी कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने खुद को यहाँ पाया था, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये विसल मेरे पास क्यों है। फिर जिंकी उसे बताती है कि मेरी बहन जिस आदमी से प्यार करती थी उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका शरीर उतना ही कमजोर था, इसीलिए मैंने तभी फैसला किया था कि मैं सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति से प्यार करूंगी जो मुसीबत में मेरी रक्षा कर सके। और जब मैं साइमन से मिली तो मुझे लगा कि वो मेरी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसने भी मुझे मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ दिया। इसीलिए मेरी सिस्टर सही थी कि प्यार में ताकत मायने नहीं रखती, बस ये मायने रखता है कि सामने वाले का दिल अच्छा होना चाहिए। तो फिर जिंकी उस मास्क वाले आदमी से पूछती है कि जब मैं यहाँ आई थी तो तुमने मुझे उस राक्षस से क्यों बचाया था। तो रिप्लाई में वो कहता है कि बस मेरे मन ने कहा कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। इससे जिंकी भी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी उस मास्क वाले आदमी को पसंद करने लगी थी। फिर वो दोनों साथ में उस फॉक्स डीमन के ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वो मास्क वाला आदमी जिंकी को बताता है कि वो फॉक्स डीमन अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर आ जा सकती है, क्योंकि वो एक बिजनेस व्यूमन है जो अपना फायदा देखने पर हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। इसीलिए वो दोनों उस फॉक्स डीमन के पास पहुँचते हैं और उससे असुर विले से बाहर निकलने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछते हैं। तो फॉक्स डीमन उन्हें बताती है कि एक दूसरा रास्ता भी है जिससे तुम अपनी यादों को बुलाए बगैर भी यहाँ से बाहर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने अटैचमेंट का कुछ हिस्सा मुझे देना होगा, क्योंकि उससे एक खास तरह का फ्यूल बनता है। फिर वो उन्हें तालाब के पास लेकर जाती है, जहाँ जिंकी देखती है कि साइमन भी वहीं होता है, जिसने भी यहाँ से निकलने के लिए डीमन फॉक्स के साथ पहले से डील कर ली थी। इसलिए फॉक्स डीमन साइमन की कुछ यादों को अपने पास रख लेती है ताकि उससे फ्यूल बना सके। फिर जिंकी और वो मास्क वाला आदमी भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो फॉक्स डीमन उन्हें बताती है कि असुर विले में एक बहुत बड़ा स्नेक का स्टेचू है जिसकी पूंछ सर से कुछ ही दूरी पर है, और एक समय ऐसा आता है जब उस स्नेक की पूंछ और सर के बीच में एक ब्रिज बन जाता है। उस वक्त ही तुम्हें उस सांप के मुंह में कूदना है जिससे ही तुम असुर विले से बाहर निकल सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि उस स्टेचू पर ही वही ग्रीन क्रिएचर रहते हैं। फिर वो फॉक्स डीमन जिंकी के हाथ में एक टोकन पकड़ाकर उसके कान में कुछ सीक्रेट बात बताती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि विलियम अपनी पूरी सेना के साथ
साथ ऑल गुड मार्केट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फॉक्स डीमन के सैनिक जब ये देखते हैं तो फौरन फॉक्स डीमन को इसके बारे में बताते हैं। ये सुनते ही फॉक्स डीमन विलियम के ऊपर अटैक करवाने लगती है और अपने मार्केट को चारों ओर से एक बहुत बड़ी चेन से कवर कर देती है। लेकिन विलियम पूरी प्लानिंग के साथ आया था, इसीलिए उस चेन को काट कर अंदर घुस जाता है। तो फॉक्स डीमन उन दोनों के साथ वापस उस तालाब के किनारे आ जाती है जहाँ अब साइमन भी होश में आ गया था। तो फॉक्स डीमन उसे बताती है कि विलियम हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है। तो साइमन को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने उसकी पूरी गैंग को भी खत्म कर दिया था। तो फॉक्स डीमन उसे बताती है कि वो पूरे असुर विले पर कब्जा करना चाहता है। तभी विलियम अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच जाता है तो साइमन भी तलवार लेकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जिंकी से माफी मांगता है। फिर वो विलियम पर अटैक करने लगता है, लेकिन विलियम बहुत ताकतवर होता है इसीलिए वो साइमन की तलवार तोड़ देता है। लेकिन साइमन कैसे ना कैसे करके अपनी टूटी हुई तलवार को विलियम के सीने में भर देता है। लेकिन विलियम को कुछ नहीं होता क्योंकि एक मंत्रों के कवच ने उसे प्रोटेक्ट कर रखा था और वो साइमन को जान से मार देता है। ये देखकर जिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो विलियम के सैनिकों पर हमला करने लग जाती है। तभी गलती से एक राक्षस का हथियार मास्क वाले आदमी के गले में लग जाता है, जिससे उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क खुल जाता है और हमें पता चलता है कि उस मास्क वाले आदमी का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। इसीलिए उसने विलियम से मास्क लेकर अपने चेहरे पर लगा रखा था, क्योंकि उस दिन जब जिंकी ने तालाब में पिंकी की तस्वीर देखी थी तो उस मास्क वाले आदमी ने भी देख लिया था कि जिंकी पिंकी से कितनी ज्यादा अटैच्ड है। इसीलिए उसने अपने फेस को उस मुखौटे की मदद से पिंकी के जैसा कर लिया था, क्योंकि वो एक खास तरह का मास्क था जो अपने सोचने के हिसाब से चाहे जिस फेस में चेंज हो सकता था और इसकी स्मेल काफी अलग थी, जिसकी वजह से विलियम उन तक पहुंच पाया था। ये सुनकर जिंकी को काफी गुस्सा आता है कि उसकी बहन नहीं है। फिर विलियम उस मास्क वाले आदमी को वो मास्क वापस देता है और उसे कहता है कि तुम चाहे जो बन सकते हो, चाहे तो तुम हमारी तरह मॉन्स्टर बन सकते हो या फिर नॉर्मल इंसान। लेकिन वो मास्क वाला आदमी वापस से पिंकी के फेस में आ जाता है, क्योंकि वो जिंकी को पसंद करता था। ये देखकर विलियम को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर विलियम के राक्षस फॉक्स डीमन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फॉक्स डीमन उस तालाब में कूद जाती है और अपने असली रूप यानी कि एक बड़ी सी फॉक्स में चेंज हो जाती है। फिर उस पानी का टोर्नेडो बनाकर सभी पर डालने लगती है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर एक एक करके असुर विले से बाहर निकल रहे थे। साथ ही विलियम भी उस पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन फॉक्स डीमन मास्क वाले आदमी और जिंकी को एक बोर्ड दे देती है और उन्हें सेफली बाहर निकाल देती है, जिससे वो मास्क वाला आदमी और जिंकी बहते हुए किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां जिंकी उस मास्क वाला आदमी से पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तो वो मास्क वाला आदमी उसे बताता है कि जब मेरी पहली बार यहाँ आँख खुली थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैन ही पसंद है, इसीलिए मैंने उस जादुई मास्क से तुम्हारी बहन का चेहरा बना लिया था ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। ये सुनकर जिंकी उसे कहती है कि मैं गलत थी जो मैं स्ट्रॉन्ग मैन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था और अब मैं असुर विले से बाहर जाकर मास्टर को मार दूंगी। फिर वो दोनों उस स्टेचू की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि विलियम अपने कवच की वजह से बच गया था, लेकिन उसके सभी मॉन्स्टर मारे गए थे, इसीलिए वो उस मास्क की स्मेल से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं जिंकी उस मास्क वाले आदमी को बताती है कि मुझे फॉक्स डीमन ने बताया था कि हमें उस स्टेचू को एक्टिवेट करने के लिए एक ग्रीन टनल में जाकर अपने दुश्मन को हराना होगा। तभी उन्हें वहाँ किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक अजीब सी बस होती है। जिंकी उस बस ड्राइवर को फॉक्स डीमन द्वारा दिया हुआ टिकट दिखाती है, जिससे वो बस ड्राइवर उन दोनों को अंदर आने देती है। फिर वो बस ड्राइवर उन्हें ग्रीन टनल का रास्ता बताती है और उसे कहती है कि जो तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करता था या जिससे तुम डरते थे, उसे ही तुम्हें उस टनल में हराना होगा। तो जिंकी इसके लिए तैयार हो जाती है। तो फिर वो बस ड्राइवर उस टनल का रास्ता खोलती है, क्योंकि वो टनल और कहीं नहीं बल्कि उसी बस में था। फिर जिंकी उस मास्क वाले आदमी को बाहर छोड़कर उस टनल में जाती है और तभी वो अचानक बाहर आ जाती है। तो मास्क वाला आदमी जिंकी से पूछता है कि तुमने अंदर क्या देखा। तो जिंकी उसे बताती है कि मैंने अंदर मास्टर को देखा। फिर जिंकी उसे पूछती है कि मैं कितने टाइम से टनल के अंदर थी। तो मास्क वाला आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अंदर जाए हुए तो सिर्फ पल भर ही हुआ है। तो जिंकी इससे काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने अंदर काफी घंटों तक मास्टर से लड़ाई की थी। इससे वो समझ जाते हैं कि उस टनल के अंदर का एक घंटा बाहर के एक सेकंड से भी कम है। तो जिंकी फिर से उस टनल के अंदर जाती है, जहां मास्टर जिंकी को बताते हैं कि मैंने ही विलियम को असुर विले में भेजा था ताकि वो सभी डीमन और इंसानों को मारकर उनका पुनर्जन्म कर सके, और मैंने उसे एक कवच दिया था ताकि उसे कोई मार ना सके।
और वो सभी डीमन को मारकर उनका पुनर्जन्म करवा सके, जिससे सभी डीमन इंसान में बदल जाए। लेकिन विलियम ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने पूरे असुर विले पर कब्जा करने के लिए अपनी ही एक गैंग बना ली। ये सुनकर जिंकी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मास्टर को मारने की कोशिश करती है। लेकिन मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए वो उसे ही हराकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जिंकी हार नहीं मानती और बार बार उस टनल में जाने लगती है, जिससे अब उसकी ताकतें भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन अभी भी मास्टर काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए वो बार बार जिंकी को हरा दे रहे थे। जिंकी को टनल में लड़ाई करते करते काफी साल गुजर जाते हैं, लेकिन टनल से बाहर अभी भी कुछ ही घंटे बीते थे, मगर जिंकी अभी भी मास्टर को हरा नहीं पाई थी। वहीं दूसरी तरफ विलियम उस मास्क की स्मेल को सूंघकर उस बस का पीछा कर रहा होता है। वहीं जिंकी जब वापस उस टनल में जाती है तो देखती है कि टनल में अब 20 साल गुजर गए थे और अब मास्टर बहुत ही बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। इसीलिए जिंकी अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके मास्टर पर अटैक कर देती है और इस बार मास्टर कमजोर होने की वजह से जिंकी से हार जाते हैं। ये देखकर जिंकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिशेंग पेगोड़ा को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और अब मास्टर भी मुक्ति ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही मास्टर मुक्ति लेते हैं तो विलियम का कवच भी हट जाता है, जिससे विलियम वापस से एक नॉर्मल मॉन्स्टर बन जाता है। वहीं अब जिंकी उस टनल से बाहर आ जाती है, तभी अचानक उस बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि उस सांप का स्टेचू ग्लो कर रहा है और सारे पेड़ और पौधे मिलकर पूंछ और मुंह के बीच ब्रिज बनाने लगते हैं। ये देखकर वो बस ड्राइवर उन्हें कहती है कि अब तुम असुर विले से बाहर निकल सकते हो, तो दोनों उस टेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं अब विलियम की भी सारी शक्तियां चली गई थी, इसीलिए अब वो भी असुर विले से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। जिंकी और मास्क वाला आदमी दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में जिंकी उस मास्क वाले आदमी से कहती है कि मैं यहां से बाहर निकलकर अपनी सिस्टर को ढूंढूंगी और तुम अपने उस खास पर्सन को ढूंढना। तभी वो देखते हैं कि वहां सभी ग्रीन क्रिएचर सोए हुए हैं, इसीलिए वो बिना कोई आवाज किए वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि विलियम भी उनकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वो सारे ग्रीन क्रिएचर जागृत हो जाते हैं और वो उन तीनों को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एक ग्रीन क्रिएचर विलियम को बाइट कर लेता है, जिससे विलियम धीरे धीरे ग्रीन क्रिएचर में बदलने लगता है, जिससे वो और तेजी से उस सांप के मुंह की तरफ जाने की कोशिश करता है। वहीं जिंकी और वो मास्क वाला आदमी साथ में उस सांप के मुंह की तरफ जंप लगा देते हैं, लेकिन तभी विलियम उन दोनों को पकड़ लेता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ग्रीन क्रिएचर में चेंज हो चुका था, जिससे वो तीनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी वो मास्क वाला आदमी विलियम को उसे काटने देता है, जिससे वो मास्क वाला आदमी मौका पाकर विलियम को जान से मार देता है। फिर वो मास्क वाला आदमी और जिंकी साथ में नीचे गिरने लगते हैं। जिंकी काफी सेड हो जाती है। तभी ग्रीन क्रिएचर बनने की वजह से उस मास्क वाले आदमी के पर निकल आते हैं और वो फुल स्पीड में जिंकी को लेकर ऊपर बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी तक उसका सर ग्रीन क्रिएचर में चेंज नहीं हुआ था और वो किसी भी हाल में जिंकी को बाहर भेजना चाहता था। वो फुल स्पीड में उस रोशनी के पास जाकर जिंकी को उस रोशनी में फेंक देता है, लेकिन जिंकी उस मास्क वाले आदमी के बिना बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसका हाथ नहीं छोड़ती। तो मास्क वाला आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं चल सकता। ये कहते हुए पूरी तरीके से खत्म होने लगता है, क्योंकि ग्रीन क्रिएचर उस रोशनी के दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे। जिंकी इससे काफी दुखी हो जाती है, जिससे उस मास्क वाले आदमी की विसल भी अलग हो जाती है, लेकिन जिंकी उस विसल को पकड़ लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंकी वापस असली दुनिया में आ जाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बहन कहाँ पर है। तभी वो एक दिन विसल की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाती है, तो वो वहाँ दूर लिशेंग पेगोड़ा को देखकर बहुत हैरान होती है। तो बांसुरी बजाते हुए बुजुर्ग आदमी उसे बताते हैं कि लिशेंग पेगोड़ा असली नहीं है, क्योंकि ये तो कई सालों पहले गिर गया था, लेकिन फिर इसे अब वापस बनाकर वहाँ एक म्यूजियम बना दिया गया है, जहाँ तुम जाकर वहाँ रखी पुरानी चीजों को देख सकती हो। तो फिर जिंकी उस म्यूजियम के अंदर जाती है, तो उसे अपनी बहन की वही हेयरपिन मिलती है जो मास्टर से लड़ते वक्त टूट गई थी। उस हेयरपिन को देखकर जिंकी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उस हेयरपिन को बाहर लाकर उसे जोड़ने लगती है, लेकिन उस हेयरपिन का एक हिस्सा गायब था। तभी उसे उस मास्क वाले आदमी के विसल से उस हेयरपिन का आखिरी टुकड़ा मिलता है, जिसे जोड़ते ही वो हेयरपिन पहले जैसी हो जाती है। इससे जिंकी समझ जाती है कि वो मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन पिंकी ही थी, जो पहले ही लिशेंग पेगोड़ा से बाहर आकर असुर विले में पहुंच गई थी, लेकिन वो काफी बार सरवाइव ना कर पाने के कारण बार बार मर रही थी। लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो जिंकी से काफी ज्यादा अटैच्ड थी। लेकिन जब उसका जन्म मास्क वाले आदमी के रूप में हुआ था, तो जब वो असुर विले में पहुंची तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन वो जिंकी से अटैचमेंट महसूस कर रही थी।
ही, इसीलिए उसने जिंकी को भी हर बार बचाया। ऑल एंड में भी उसने जिंकी को अपनी जान पर खेलकर असुर विले से बाहर निकाला। इससे जिंकी काफी इमोशनल हो जाती है, तभी वो हेयरपिन ग्लो करने लगती है और पिंकी की आत्मा वापस से पुनर्जन्म ले लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपने अभी तक व्हाइट स्नेक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।